सो एवरीबडी, अभी जो फिलहाल वैकेंसीज आए हुए हैं वो टोटल 3 वैकेंसीज हमारे पास में आए हुए हैं। इन पर्टिकुलर हम अलग अलग आपके साथ में शेयरिंग करेंगे, बिकॉज सबसे बड़ा प्लस पॉइंटेड ये है कि तीनों वैकेंसीज में रूम प्लस फूडिंग फ्री है और सैलरी अच्छे हैं। कोई में तो एक में ऐसा सैलरी है जो आप सुन के बिलीव नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, रहना खाना फ्री है, कोलकाता लोकेशंस में जॉब्स होने वाला है। सबसे पहले हम पहला वैकेंसीज का आपके साथ में शेयरिंग करते हैं जिसमें रूम प्लस फूडिंग फ्री है, एटलीस्ट क्वालिफिकेशंस नॉट डिमांडिंग, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, प्लीज वॉच नाउ फुल वीडियो एंड आफ्टर देन टॉकिंग नाउ फॉर दिस कॉन्टेक्ट नंबर। हर एक स्टेप समझिएगा ताकि आपको कोई मिस प्रॉब्लम नहीं हो एंड एग्रेसिवली आप जॉब ले सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको भी पता है कि इस चैनल पर जितने भी जॉब्स आते हैं, रोजगार ब्लू माया पे जितने भी जॉब्स आते हैं वो कोलकाता लोकेशंस के लिए होता है और ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड प्लेसमेंट एजेंसी के तरफ से जॉब्स होते हैं। जी हाँ, चलिए यहाँ पे हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ये जो वैकेंसी है होटल एंड रेस्टोरेंट जॉब्स होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, होटल एंड रेस्टोरेंट में आपका काम होने वाला है। बहुत सारे लोगों का एज ए वेल नीड होता है, डिमांडिंग होता है कि सर ऐसे रिक्वायरमेंट लाओ जिसमें इन हाउस काम हो और काम बहुत ही ईजी हो। एज ए कंपेयर टू फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, वेयर हाउस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं इसमें बेस्ट ऑप्शंस हैं कि आप अच्छे खासे इसमें काम कर सकते हो, देन अर्निंग पोटेंशियल अच्छे खासे जनरेट होंगे। देन अगर इंडस्ट्रीज ऐसा हो जो होटल हो रेस्टोरेंट हो तो उसमें टिप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एज ए कंपेयर टू आप किसी कंपनी में जाते हो तो उसमें टिप्स एक चमन्नी भी नहीं मिलता, बिकॉज होटल इंडस्ट्रीज में रेस्टोरेंट में टिप्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये है किचन हेल्पर का पोस्ट होने वाला है। किचन हेल्पर के पोस्ट पे आपको काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए ड्यूटी जो है 12 घंटे की शिफ्टिंग है, वीकली वन डे ऑफ है, यानी कि महीने में आपको 26 दिन काम करने हैं, संडे को आपको छुट्टी दिया जाएगा। देन की यहाँ पे रूम प्लस फूडिंग फ्री है। फैसिलिटीज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंटेड यही है कि रूम प्लस फूडिंग फ्री है और क्वालिफिकेशंस कंपनी डिमांड, सॉरी फॉर इंडस्ट्रीज डिमांड नहीं कर रही है। हमें मुंह से कंपनी निकल जाता है बिकॉज बार बार बोलने की आदत सी है, मगर मैंने पहले ही आपको बोल दिया ये जो इंडस्ट्रीज होने वाला है ये होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ ऑल ओवर कोलकाता लोकेशन में ये जॉब्स के वैकेंसी होने वाले हैं। क्वालिफिकेशंस एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल फॉर दिस पोजिशंस। सो एज लिमिटेशन इज मोस्ट कंपल्सरी, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 37 ईयर। बिलो 18 कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड अबोव 37 ईयर कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट डिमांडिंग इन दिस इंडस्ट्रीज। तो आप ये समझिए कि आपका क्वालिफिकेशंस जो है वो डिमांड तो नहीं किया गया है, बिकॉज एज लिमिटेशन इज मोस्ट कंपल्सरी, जो कि आपका कॉम्प्लीटेड होना ही चाहिए। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाला है, मतलब कि आपने जिस दिन विजिट करने हैं प्लेसमेंट एजेंसी में उसी दिन प्लेसमेंट एजेंसी आपको कंपनी या फिर इंडस्ट्रीज में जॉब लगा देगी। सो बेसिकली इसमें जो सैलरी मिलेगा 10,000 रुपये मिलेंगे 12 घंटे काम करने के लिए, प्लस रहना प्लस खाना फ्री है, ये स्टार्टिंग सैलरी है। देन एवरीबॉडी यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है, आप चाहे 5 सालों का एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर्स हो, आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगा 10,000 ही होंगे। लेकिन अगर आप इस होटल में टाइम एक्सपेंड करोगे, अच्छे से काम करोगे, आपको लीव भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और एक ही होटल में आप टाइम एक्सपेंड करोगे तो आपका 20,000 रुपये तक सैलरी जा सकती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम एक्सपेंड करते हो। सो मिलते हैं कोई नई जॉब्स की वैकेंसी का आपके साथ में अपडेट लेकर के, तब तक के लिए बाय।